शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आशा, तुम आशा हो या तमाशा, एक ही कॉलेज में पढ़ती हो, सारा दिन नजर नहीं आती। वो तो अच्छा हो रात को सपने में मुलाकात होगी, वरना तुमने तो मुझे मार ही डाला था। और देखो, आज शाम को उस बताई हुई जगह पर जरूर मिलना। मिलूंगी बाबा, मिलूंगी, अब तुम मुझे जाने दो। जानती हो सपने में मैंने क्या देखा? जैसे तुम अपनी मृग जैसी आंखें, सुराहीदार गर्दन, नर्म नाजुक कमर के साथ बल खाती इथलाती मेरी तरफ बड़ी आ रही, और मैंने बेख्तियार होकर तुम्हारी मलाई जैसी कलाई को थाम लिया। देसी इलाज का बादशाह हकीम विलायती राम, सुपुत्र हकीम खैराती राम, सुपुत्र हकीम हिमायती राम, ए बी सी डी ई एफ जी एच वगैरह वगैरह, मर्दाना जनाना बचगाना, हर किस्म की बीमारी के शर्तिया इलाज का आखिरी ठिकाना, मौत के मुंह से छुड़ाने वाला दवाखाना। ऐसे हकीम तो बहुत से देते। कमाल है हकीम जी, आप एक ही वक्त में दो दो नब्जे कैसे देख लेते हैं? अरे मूर्ख, जरूरत पड़ने पर दो तो क्या, हम चार नब्जे भी देख लेते हैं हिकमत के रूप से। वो कैसे? अरे भाई, भगवान ने पांव किस लिए दिए हैं? दो की हाथों से और दो की पांव से। धन्यवाद। खामोश। नजला, खांसी, हजारी, नजरे का टोटका नंबर 12 देता हूँ। गुलजारी, खांसी का टोटका नंबर 26 देता हूँ। आजा बेटी, तू कहीं बाहर जा रही है? मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ बाबूजी। तेरी माँ तो तू जानती है, हर वक्त मंदिर में बैठी रहती है। जाते जाते एक छोटा सा नुस्खा कूटती जाए एक मत के रूप से। जायफल, जावत्री, उन्हा लसूड़िया, नीलोफर मुनक्का, इलायची खुद, इलायची कला, सौंफ, मुलट्ठी, सब इकट्ठी 5-5 तोले पीस कर उसका जरा पाउडर बना दे एक मत के रूप से। मगर बाबू जी, ये पाउडर बनाते बनाते तो सुबह हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, मुझे भी पाउडर सुबह ही चाहिए। लेकिन मेरी सहेली मेरी राह देख रही होगी ना? वो राह देखते देखते यहाँ आ जाएगी, उसे भी काम पर लगा देना एक मत के रूप से। बाबू जी, दुकान बंद करें गुरुदेव। हाँ कर दो। मगर आज की बिक्री, आज की बिक्री 30 रुपए और 2 आने। और पहला रुपए 30 रुपए और निकालिए गुरुदेव, तो हमारी 8 महीने की बकाया तनख्वाह में से 1 महीने की तनख्वाह आ गई। तनख्वाह? ये किस बीमारी का नाम है? अबे ओ कमीनों, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे बेसब्रों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नमक हरामो, मेरा नमक खाकर मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। वो वक्त भूल गए जब मैं तुम दोनों को यतीम खाने से उठा कर लाया था। मैंने अपने खून पसीने की कमाई से पाला तुम दोनों को। आपका तो पसीना ही बहा होगा गुरुदेव, खून तो हमारा निचड़ गया है। हमारा जिनको आपने उनकी सीधी दवाइयां खिलाकर इंसान से लेबोरेटरी बना दिया। जब यहाँ आए थे तो 2 मन की बोरी यूं उठा लिया करते थे, मगर आज अपने आप को उठाना मुश्किल हो गया है। अरे तुम क्या उठाओगे अपने आप को, तुम दोनों को तो अब भगवान ही उठाएगा एक मत के रूप से। निकालो रुपए। रुपए कैसे? दवाइयां हम कूटे, दूध हम बोले, ग्राहक हम पुसा के लाए और अब मजे उड़ाए। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? संभालिए अपनी दुकान। चल गुलजारी, मैं भी देखता हूँ हम जैसे कुर्बानी के बकरे कहाँ से मिलते हैं आपको। अरे ठहरो 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 ठहरो, अगर तुम लोगों को जाना है तो आज अपने हाथों से मुझे सूखिया देकर जाओ। बच्चे, अरे कमीनो, 12 बरस मेरे पास रहकर भी तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। मैं रुपयों का भूखा नहीं हूँ, मैं मोहब्बत का भूखा हूँ, मोहब्बत का। रुपए तो क्या होते हैं, ये आने भी तुम रखो और आज ऐश लो, सलमा विलमा देखो हिकमत की रूह से। हिकमत की रूह से। देखता हूँ।
ये तो बहुत तेज चल रही है। गुलजारी नंबर 9 नंबर टूट टूट के ये चुटकी दे दो। क्या होता है बाप को, मर गया तो मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। ये तो किसी नीम पागल की नब्ज है, मेरे पास तू ले आओ, इसे पागल खाने ले जाओ, मेरे पास कोई इलाज नहीं, मेरे पास कोई इलाज नहीं इसका। चन्नी, ए चन्नी, कहाँ हो तुम, क्या सोच रहे हो? सोचने से क्या होता है जी, ये तो अपनी अपनी किस्मत है। किस्मत? किसकी किस्मत? अपने बलदेव भैया की। नजर मिली, दिल मिले, मुलाकात हुई, बात हुई, शगन हुआ और अब लगन की तैयारी है। और एक हम है कि गोलू के बैल की तरह वहीं चक्कर काट रहे हैं। काटने वाले तो मोहब्बत में पहाड़ भी काट देते हैं जी। मगर जिस गरीब से एक रात भी ना कट सके वो क्या करे जी। इतनी ही बेसब्र हो तो लड़की के बाप से क्यों नहीं बात करती? किसके बाप से बात करें, कोई लड़की भी तो हो नजर में। चन्नी, क्यों, वो है तुम्हारी नजर में? है तो सही। तो फिर बताओ ना। मगर तुम उसके काबिल नहीं। अच्छा जी, अब हम तुम्हारे काबिल ही नहीं रहे। ऐसे ना देखो, मुझे शर्म आती है। हमें तो शौक है जी भर के तुमको देखेंगे, तुम्हें है शर्म तो आंखों पे हाथ धर लेना। चलिए हटाओ अपनी निगाह। उफ, बहुत देर हो गई, अब चलना चाहिए। बैठो रेखा, ऐसे भी क्या जल्दी है? बड़े बेसब्र हो, शादी में अब दिन ही कितने बाकी है? पूरे 5 दिन और 4 रातें। हटो शरीर कहीं के। मैं पिक्चर देख कर आ रहा हूँ, कहीं और से नहीं आ रहा। हाँ, मैं भी पिक्चर देख रहा हूँ, कहीं और से नहीं आ रहा हूँ। इतनी रात गए आवारा गर्दी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ भैया, तुम्हें भड़ापे में आवारा गर्दी करते शर्म नहीं आती तो मुझे जवानी में क्यों आए? किसे कहा बूढ़ा? वही जिसकी बहुत जल्द शहनाइयां बजने वाली हैं। कितना खुश नसीब है दीनानाथ जो इतने बड़े घर में रिश्ता हुआ है। हाँ भाई, इसे कहते हैं किस्मत की देन। यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें पा लिया है। क्यों? तुम दिल में सोचती होगी कि मेरा प्यार तुम्हें कहां से कहां ले आया। ये आप क्या कह रहे हैं? कहां वो तुम्हारा आलिशान बंगला और कहां ये गरीब की कुटिया? तुम्हें गर्मी लग रही होगी, पंखा भी तो नहीं है इस घर में। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पंखे का इंतजाम करता हूँ। ठहरिए, आप यहाँ बगैर पंखे के रहते हैं ना? हाँ हाँ, लेकिन तो फिर मैं क्यों नहीं रह सकती? रेखा, ये तुम्हारा बड़ापन है, वरना मैं तो ये महसूस करता हूँ कि तुम आकाश से धरती पर आ गई हो। और मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं धरती से आकाश पर पहुंच गई हूँ। और फिर आज का दिन तो हमारी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन है।
दिन नहीं, रात, सुनहरी रात।